की जगह मिली सालों को मारने के लिए। हेलो, अरे सर, हम कहे थे बलवंत जी से उस लड़के से कुटरगू मत करिए, बहुत ही खतरनाक लौंडा है। पर मंत्री जी माने नहीं, अब डले हैं पांच फुट का बम्बू लिए। जी सर जी। ओ, पूरी सुहागरात यही मना लोगे का? बुलाओ एम्बुलेंस को, ले चलो मंत्री जी को पोस्टमार्टम के लिए। हाँ तो गणेश, अरे सॉरी गनी भाई, कैसा रहा गणेश से गनी बनने का सफर? एक साल पहले तक नो पुलिस रिकॉर्ड, किसी भी फाइल में कोई भी नाम नहीं, पर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो तूने एक साथ मंत्री की हत्या, मंत्री के बेटे की हत्या और तो और हमारे डिपार्टमेंट के पुलिस वाले की हत्या कर डाली? जब जब इस दुनिया में बेगुनाहों के ऊपर अत्याचार बढ़ेगा, किसी न किसी को तो हथियार उठाने पड़ेंगे ना। जैसा अच्छा तो चल शुरू से बता, क्या हुआ तेरे साथ, क्यों मारा तूने उन लोगों को? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा, और आपको तो पता ही होगा एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना मतलब ध्यान लगा के पढ़ाई करना, उसके बाद 9 से 5 अच्छा सा जॉब, घर की जिम्मेदारियां, बस यही सपना होता है एक मिडिल क्लास लड़के का। मम्मी खाना लगा दो। बस यही एक सपना मेरा था और उसी रास्ते में मैं चल रहा था, पर वक्त की हवा को तो कुछ और ही मंजूर था और एक फोन कॉल ने मानो मेरी जिंदगी बदल दी। हेलो गणेश, तेरी सीट किसी और को अलॉट हो गई है, फाइनल लिस्ट में तेरा नाम नहीं है। क्या बोल रहा है तू? किसको दे दी गई सीट? वो मंत्री है ना बलवंत, उसने अपने पैसे और पावर की दम पे ना अपने बेटे को दिलवा दी है सीट। सर आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, बस यही बात मुझे चुभने लगी। फिर क्या था, चल दिया मंत्री से बगावत। रात मेहनत की थी वो सीट आपने पावर और पैसे के दम पर अपने बेटे को दिलवा दी, ये तो बहुत गलत बात है ना मंत्री। अब बेटा ये गलत सही हमें कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ गलत नहीं। सुनो, एक ही बेटा है हमारा, पैसा दौलत उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो तुम जैसे गंदी नाली की कीड़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। पर मंत्री जी। चुप, बिल्कुल चुप, तुम इतनी सी बात के लिए हमारे दरवाजे पे चले आए? हेलो शंभू, तो
क्यों बे, मंत्री जी के घर जाएगा। मारो साले को। बार तो तुझे मार के छोड़ रहे हैं। तुमने मंत्री जी के घर जाने की कोशिश की तो जान से मार डाली। समझ गया ना? ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है जैसा आप। यहाँ पर जिंदा रहने के लिए बिगड़ा होना बहुत जरूरी है। जो सुधर गया वो गया, गया ऊपर, इसलिए अब उसके पास में गणेश नहीं, गनी बन के गया। शंभू, चुनावी रैली की तैयारी कैसे चल रही है? मैं कैसे मन गई क्योंकि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पहले तो सिर्फ सुना था कि कुत्ते की पूछ कभी सीधी नहीं होती, आज देख भी लिया। बताओ काहे आए हो? मंत्री जी, इस बार विनती करने नहीं आए, चेतावनी देने आए हैं। सीट हमारी थी और हमारी ही रहेगी, ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिए। वरना क्या हुआ मंत्री जी, काहे इतनी टेंशन में बैठे हो? अब क्या बताएं तुम्हें, अरे वो लौंडा है ना, वो साला गले की हड्डी बनते जा रहा है। अच्छा, कौन वो? गणेश? हाँ वही लड़का, उसका कुछ तो करना पड़ेगा सुरमान। आप चिंता मत करिए मंत्री जी, कल के बाद से वो लड़का किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। देखिए, इस मामले में हमारी जांच चल रही है और रही बात इस फर्जीवाड़े की, तो पुलिस को कुछ ठोस सबूत मिले हैं गणेश के खिलाफ, जिनकी मदद से उसने कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश की थी और इस मामले में उसको दोषी करार पाया गया है। और जय सर, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, मुझे आने वाले तूफान का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, उस पल ने मेरी सारी जिंदगी बदल के रख दी। सर मेहनत आप करें और फल कोई और ले जाए तो कैसा लगेगा आपको? उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने फिर मंत्री के बेटे को छोड़ दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या छोड़ दो? तेरे बाप ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। सलामती चाहता है, पुराने ब्रिज के नीचे आ जाए। हाँ मेरा बेटा, सुन मंत्री, तेरा बेटा तो बचा नहीं, बचा है तो उसका सिर्फ ये आईडी कार्ड। क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? है मंत्री, मंत्री तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचा देता हूँ।
बर्बाद कर दी। ये तो रही वजह जिसने तुम्हें गणेश से गनी बनने पर मजबूर किया। अब तो मुझे ये बताओ कि तुमने सूर्यभान को क्यों मारा? जय साहब, जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है ना, तो हम जैसी आम जनता को हथियार उठाने ही पड़ते हैं। सर मंत्री ने तो मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आपके डिपार्टमेंट के उस पुलिस ऑफिसर ने नकली केस और नकली सबूत के तौर पर मुझे सबके सामने गलत साबित कर दिया। यदि हर कोई तुम्हारी तरह सोचने लगा ना गणेश, तो ये दुनिया ही जल्दी खत्म हो जाएगी। एक गलत इंसान के चक्कर में तुम हैवान बन गए। देखो गणी, ऐसा है, तुमने ये जो भी किया ना, अपना बदला लेने के लिए किया, लेकिन कानून में गुनाहों की कोई माफी नहीं होती।